नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। कमाल हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से किया जाए और खत्म कहां से किया जाए। यकीन नहीं हो रहा है, ये वही सरकार है ना जो पंजाब में चुनाव से पहले लोगों से वादा कर रही थी कि अगर सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले पंजाब के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने की दिशा में काम किया जाएगा। सड़क, चौराहे, गली, नुक्कड़ और न जाने कहां कहां अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान सिंह तक गए थे। बड़े बुजुर्गों, बच्चों और माताओं से यह वादा करके आए थे कि अगर सूबे में उनकी सरकार आई तो सबसे पहले नशे के तंत्र को जमींदोज किया जाएगा, युवाओं को नशे की गिरफ्त से आजादी दिलाई जाएगी। लेकिन अब पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ताओं के वादे और दावे दोनों ही खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने जाहिर कर दिया है कि उन्हें ना ही सूबे की जनता से कोई सरोकार है और ना ही प्रदेश के विकास से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, उन्हें तो महज अपनी सियासी रोटियां सेकने से मतलब है जो कि अब सिक चुकी है। लिहाजा अब अगर उन्हें कोई भी काम करना है तो बहुत सोच समझ कर कि कोई पक्ष नाराज न हो जाए। और शायद पंजाब में आगामी दिनों में लाई जाने वाली नई आबाकारी नीति उसी का नतीजा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, पंजाब की नई आबाकारी नीति जल्द ही आने वाली है। अभी इस नीति की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्द ही पंजाब की नई आबाकारी नीति प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता की राय जाननी चाहिए कि आखिर उन्हें किस कीमत पर और कितनी मात्रा में शराब उपलब्ध कराई जाए। अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों का गुस्सा पंजाब सरकार पर फूट रहा है। लोगों का कहना है ये तो वही सरकार थी ना जिसने सूबे की जनता से शराब से मुक्ति दिलाने की दिशा में कार्य करने का वादा किया था, लेकिन अब जब सत्ता मिल चुकी है तो इनका दोहरा चरित्र देखिए, इनका दोहरा मापदंड देखिए। बहरहाल अपने इस कृत्य से ही सही, लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इतना तो जरूर साफ कर दिया है कि उन्हें सूबे की जनता से कोई सरोकार नहीं है। आपको बताते चले कि नई आबाकारी नीति के लिए सुझाव आगामी 2022-23 के लिए मंगाए गए हैं। पंजाब की जनता ईमेल या फोन के जरिए अपने सुझाव सरकार को साझा कर सकती है। बता दें कि भगवंत मान सरकार की तरफ से एक ईमेल जारी किया गया है AdDietecex@punjab.gov.in पर आप अपने सुझाव सरकार के संग साझा कर सकते हैं, या नहीं तो 9875961101 पर आप अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। बता दें कि पंजाब की मान सरकार की तरफ से आबाकारी नीति बनाने से पूर्व अन्य प्रदेशों की नीतियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। राज्य सरकार की मंत्रिमंडल की तरफ से गठित की गई समिति अन्य राज्यों की आबाकारी नीति का अध्ययन करने हेतु अन्य राज्यों का रुख कर चुकी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विगत दिनों आबाकारी नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंपा गया था, लेकिन अमली जामा पहनाने से पूर्व ही उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि इस नीति पर अमल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। कथित तौर पर पंजाब सरकार राजस्व में बढ़ोतरी करने हेतु यह आबाकारी नीति ला रही है, लेकिन अब पंजाब सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है।
लोगों का कहना है कि यह तो वही सरकार थी जो यह कहकर सत्ता में आई थी कि प्रदेश के युवाओं को नशे की गिरफ्त से छुड़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र जाहिर हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में इस पूरे मसले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।